हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं, ओके, जिस पे लोग बहुत ज़्यादा मतलब फंसे भी हुए हैं कह सकते हैं, और वो कंपनी पिछले काफ़ी टाइम से बर्बाद हो गई है, बट कंटिन्यूसली लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते रहते हैं। मैंने देखा है, ओके, लोग उस कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते रहते, सर उसका क्या होगा क्या होगा, मेरे चैनल पे नहीं और दूसरे चैनल्स पे भी पूछते रहते। तो मैंने सोचा कि आज इसके ऊपर वीडियो बना दी जाए और बता दिया जाए इसके फंडामेंटल्स एज वेल एज क्या इस कंपनी का फ्यूचर है या नहीं है, क्या मैं एंट्री लेनी चाहिए या मैं एग्जिट कर लेना चाहिए, उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर दैट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एज वेल एज इस वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिए। तो आइए सीधे वीडियो की तरफ चलेंगे, ओके, शेयर की तरफ चलेंगे। कौन सा शेयर है तो जान लेते हैं। देखिए, शेयर का नाम है पीसी ज्वेलर लिमिटेड। देखिए, पीसी ज्वेलर्स है, अपने टाइम पे नामी गिरामी था, ओके, 2-3 साल पहले ये बहुत बड़ा एक ब्रांड था, बट अभी जब से नीरव मोदी का नाम आपने जरूर सुना होगा, ओके, तो ये दो मामा भांजे थे, ओके, इन्होंने बढ़िया बैंकों को चूना लगाया और अब जाके लंदन में और इंग्लैंड में ये शिफ्ट हुए पड़े हैं और मज़े ले रहे हैं लाइफ के। तो इन्होंने इस कंपनी की मट्टी पलीत कर दी, ओके, ये शेयर इतना गिरा है कि वो सब चीज़ हम देखेंगे। तो देखिए, आज भी गिरा हुआ है, 5 डेज़ का चार्ट पैटर्न देखेंगे। देखिए, यहाँ पर भी गिरा हुआ है, 1 मंथ का चार्ट पैटर्न देखेंगे। इसे देखिए ही मत कि हाँ ये 13 का शेयर 15 हो गए, इस चीज़ से लोग बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं, ओके, लुट जाते हैं, और क्या होता है कि फिर लुट ही जाते हैं, पहले आकर्षित होते हैं फिर लुट जाते हैं। देखिए, 25 का शेयर क्या वॉलिटिलिटी है, 1 ईयर की बात कर लीजिए, 5 ईयर्स की बात कर लीजिए और मैक्सिमम बात कर लेते हैं। देखिए, जब आया था 2012 में 73 रुपये पे ये शेयर लिस्ट हुआ था यहाँ पर, और फिर ये कितने रुपए पर गया है, एक कांड होने से पहले जब ये कांड हुआ था लगभग 600 रुपये के आसपास ये शेयर था, और उसके बाद जब शेयर ये गिरा है तो इस तरीके से गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता गया। बट अब ये स्टॉक ऑपरेटर्स का बहुत फेवरेट स्टॉक बन चुका है। तो यहाँ पर अगर हम विदिन 6 मंथ भी देखेंगे ना, देखिए लगभग 25-30 रुपये पे चल रहा था, मार्केट क्रैश हुई, ये भी क्रैश हुआ, 8 रुपये के आसपास आया, और फिर देखिए ऑपरेटर भगा रहे हैं, फिर गिरा रहे हैं, फिर भगा रहे हैं, गिरा रहे हैं। बट क्या हो रहा है कि लोग अपर लेवल पर भी फंसे हुए हैं, ओके, जो हमने मैक्सिमम मैंने आपको दिखाया था कि 600 के आसपास आया था, तो यहाँ पर भी लोग फंसे हुए हैं, ओके, काफ़ी लोगों ने लिए होंगे, और फंसे भी कौन है, रिटेल इन्वेस्टर्स टाइप में जो होते हैं वो फंसे हुए हैं। क्यों फंसे हुए हैं, उनका फेवरेट स्टॉक है, क्योंकि वो सोचते हैं कि 15 रुपये का शेयर है, मात्र 15 रुपये का शेयर है, किसी ने 10 क्वांटिटी, कोई 1,000 क्वांटिटी, कोई 10,000 क्वांटिटी, इस तरीके से पैसे उठा लेते हैं, ये इतने पैसे लगा देते हैं और सोचते हैं कि ये आने वाले टाइम में मल्टी बैगर बनेगा, ये टाइटन जैसा शेयर बनेगा, ओके, और ये सोचते हैं कि 15 रुपये का शेयर 150 रुपये का हो जाएगा और 1500 का हो जाएगा, जैसे टाइटन आजकल चल रहा है आज से 15-20 साल पहले। तो देखिए, ये सारी भ्रम की बातें हैं, और भी बहुत सारे मल्टी बैगर स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे, मेरी इस मैं ऊपर वीडियो पर भी दे दूंगा, जिस पे आप थोड़ा सा भरोसा कर सकते हैं। और ये जो छोटे शेयर होते हैं ना, इन पे ज़्यादा पैसा लगाने का नहीं होता, इनमें थोड़ा सा पैसा लगाना होता है, और जब ये भागेंगे तब आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी, आपको लगे इसके फंडामेंटल सही है, इसके रिजल्ट सही आ रहे हैं क्वार्टरली बेस पे, तब हम इसमें पैसा लगा सकते हैं, तब हम इसे बिलीव कर सकते हैं। बट अगर रिटेल इन्वेस्टर क्या होते हैं कि वो स्टडी करते नहीं है, वो क्वार्टरली रिजल्ट पढ़ते नहीं है और पैसा लगा देते हैं और फिर बाद में पछताते जाते हैं, क्योंकि ऑपरेटर का शेयर है, ऑपरेटर ऊपर ले जाता है, नीचे ले जाता है, कभी इसे 15 को 17 रुपये का ले जाएगा, उनके लिए देखिए वो करोड़ों रुपये इन्वेस्ट करते हैं, वो 2 रुपये या 1 रुपये भी उन्हें मिला तो एक क्या कहते हैं 1 लाख शेयर भी उन्होंने खरीदे, और ये 15 का शेयर, 15-16 रुपये का शेयर, ये 17-18 का हो गया, तो वो बेच देंगे, तो उनके इनके अकाउंट में सीधे 2 लाख रुपये आएंगे। बट आप और फिर ये गिरा देंगे, आप वहाँ पर 17-18 पे खरीद लेंगे और ये फिर नीचे चल जाता जाएगा, तो इसमें आपकी ही कमी है कहेंगे और आपको ही यहाँ पर लॉस होने वाला है, उनको नहीं लॉस होने वाला, क्योंकि अगर ये मार्केट में गिर भी गया, ये नीचे जितना चाहे उतना ले जा सकते हैं, ये जितना ऊपर ले जाना चाहे ऊपर ले जा सकते हैं। देखिए, मैं आपको कुछ आगे चल के बताने वाला हूँ, इसमें स्टडी करने वाले हैं, तो आपको पता चलेगा कि क्यों मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये शेयर आगे चल के, अभी तो मुझे कोई भविष्य इसका नज़र नहीं आ रहा, ओके, फ्यूचर में आ जाए तो शेयर बाजार है, कोई कह नहीं सकते, भगवान हम भी नहीं है, ओके, हम भी नॉर्मल ही इन्वेस्टर्स है, तो हम मैं आपको बस ये बता सकता हूँ, अभी इसका कोई फ्यूचर नहीं है, क्यों नहीं है आगे देख लेते हैं। देखिए, पहले रिटेल इन्वेस्टर कितना फेवरेट है वो दिखा देता हूँ।
52 वीक हाई 33 रुपीज़, और 7 रुपये 7.5 रुपये का आसपास ये 52 वीक इसका लो है, मतलब 26 मार्च में जो मार्केट क्रैश हुई थी। और देखिए क्या क्वांटिटी रिटेल इन्वेस्टर्स उठाते हैं, लगभग 68% की क्वांटिटी उठा रखी है, मतलब 8,56,659 शेयर्स यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पे उठाए गए। तो कौन उठा रहा है ये शेयर, ये कोई बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स या फिर बड़े बड़े वो लोग नहीं उठा रहे, ना फॉरेन इन्वेस्टर उठा रहे, ये कौन उठा रहा है, रिटेल इन्वेस्टर उठा रहे हैं, और रिटेल इन्वेस्टर इन शेयर्स में फंस जाते हैं। और मैं आपको और भी कुछ चीज़ें दिखाना, नेगेटिव देखिए नेगेटिव रिटर्न्स है ये, 6 महीने 1 महीने मत देखिए, ये जो 6 महीने और 1 महीने में यहाँ पर आपको रिटर्न्स दिख रहे हैं, ये निकलने का टाइम होता है। अगर शेयर में एकदम स्पाइक आ गया तो आप निकल जाइए, डोंट थिंक कि मेरा पैसा अटका हुआ है मैं लॉस में चल रहा हूँ, निकल जाइए और दूसरे अच्छे शेयर में लगाइए, ओके आप डेफिनेटली पैसा कमा लेंगे। ये एक टेक्निक होती है कि हाँ आपको लग रहा है कि शेयर बिल्कुल ही ख़राब है, नहीं निकल पा रहे, तो लॉस में बेच दीजिए, कोई इशू नहीं है लॉस में, और आपका ज़्यादा लॉस तो जितना लॉस हुआ है ठीक है, ज़्यादा लॉस तो और तो नहीं होगा फ्यूचर में, और फिर निकल के एक अच्छे शेयर में खरीदिए, अच्छे शेयर को खरीदेंगे तो आपके पैसे बनेंगे। मुझे भी एक शेयर में लॉस हुआ था, ओके मैंने वहाँ से निकाला, दूसरे शेयर में लगाया, मेरा लॉस पूरा कवर हो गया, ठीक है। तो ऐसे होता है मार्केट में, थोड़ा दिमाग से भी काम लेना होता है कि भाग्य भेड़ चाल में भागना हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पर तो आपको ये रिटर्न्स का दिख गया, अब मैं आपको सच्चाई दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर पूरी बैलेंस शीट वगैरह देखेंगे, देखिए पीसी ज्वेलर्स 622 करोड़, मतलब स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी ऑलवेज मैं आपको डिस्क्लेमर देता हूँ, भागती भी तेज है गिरती भी तेज है, बुक वैल्यू 97 रुपीज़ का दे रखा है, बट बुक वैल्यू को अभी छोड़िए क्योंकि इनकी सेल ही नहीं हो रही, ओके इनका प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, तो ये आपको बुक वैल्यू क्या करेगा इसमें। फिर ये हाई और लो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया, डिविडेंड रेशो देखिए जाए 2018 जब से कांड हुआ उसके बाद कोई डिविडेंड नहीं है, ओके तो यहाँ पर हम और देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं। अब सीधे रिजल्ट्स देखने बहुत ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, इससे पता चलता है कि कंपनी मजबूत है कि नहीं, कंपनी सेल कर पा रही है कि नहीं, कंपनी प्रॉफिट में है कि नहीं, उसी चीज़ से हमें पता चलेगा कि कंपनी आगे चल के हमें रिटर्न्स दे सकती है कि नहीं, ओके। अगर हम अगर कोई कंपनी सेल ही नहीं कर रही, बस भागे जा रही है तो फिर वो कंपनी आगे चल के क्या होगा, फ्रॉड ही होगा, 600 का शेयर फिर 15 रुपये पे ही दिखेगा आपको। तो यहाँ पर देखिए 2018 से पहले अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था, कांड हुआ, कांड होने के बाद देखिए यहाँ पर शेयर कंपनी गिरती गई, जून लास्ट में तो 61 करोड़ रुपये की सेल थी, ओके रिवेन्यू कह सकते हैं, और अभी देखिए 430 करोड़ का रिवेन्यू है, ओके बट अभी और चीज़ें देखेंगे हम। यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 54 दिखा रहा है, ओके आगे चल रहा है, अभी यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते सीधे। देखिए मार्च में अच्छी खासी इसमें 2019 की बात की जाए तो 8672 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर सेल्स थी मार्च में, देखिए अगर इस मार्च को देखते तो 52 बिल्कुल कम हो गई, ओके और अभी इस बार इस मंथ का अगर हम इस क्वार्टर का देखते हैं 3074 करोड़ रुपीज़ का, ओके प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो 218 करोड़ रुपये का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है, ओके एज वेल एज हम अगर इसके नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो देखिए जहाँ पर ये पॉजिटिव नेट प्रॉफिट चल रहा था, ओके 83 यहाँ पर ये कौन सा मंथ है मार्च में लगभग 83 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट था, तो अभी देखिए कितना नेगेटिव लॉस में कंपनी जा रही है, 130 करोड़ रुपए का यहाँ पर लॉस सीधा दिखा रहे हैं, बट आप ऐसी ही कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए पहले EPS अर्निंग पर शेयर कितना था 2.10, अभी कितना है -3.20, तो ऐसी कंपनी का कोई अभी भविष्य भी नहीं दिख रहा, ओके और CAGR की भी बात की जाए, कंपाउंड सेल्स देख लीजिए, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देख लीजिए, कुछ भी नहीं है, सब नेगेटिव में तो आपको दिखाई दे रहा है, तो बट आप ऐसे शेयर के पीछे पड़ेंगे फिर कुछ नहीं होना जाना। अगर देखिए रिजर्व्स की बात की जाए तो रिजर्व्स देखिए 3473 के है, ओके बट यहाँ पर इनकी बोरिंग की बात की जाए तो अच्छी खासी बोरिंग देखिए कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी लगभग 3363 करोड़ रुपये की यहाँ पर बोरिंग भी है, ओके इनके पास रिजर्व्स है बट इनके पास बोरिंग भी उतनी ही है, और एज वेल एज इन्वेस्टमेंट तो इनका कुछ खास है नहीं। और अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं कैश फ्लो भी देखिए इनका नेगेटिव में -57, तो कंपनी का अभी कुछ होने जाना नहीं है। ROCE की बात की जाए तो 8% का ROCE है, दूसरे शेयर्स में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अच्छा खासा यहाँ पर ROCE भी मिलेगा, आपको आपको डिविडेंड भी देगी और आपका शेयर भागेगा भी, तो आप वेल्थ बनाएंगे आप। यहाँ पर होता क्या है शेयर बाज़ार में, या तो पैसे लेके डूब जाते हैं लोग, ओके जो स्टडी नहीं करते, जैसे काफ़ी लोग इसमें डूबे होंगे और काफ़ी लोग निकल गए होंगे टाइम से, और टाइम से निकल के दूसरे शेयर में लगाया होगा, प्रॉफिट में होंगे अच्छे खासे, जो रैली अभी आई है पिछले 7-8 महीने में उसमें उन्होंने कमाए होंगे, तो वही सब होता है।
सही टाइम पे निकलना भी जरूरी है और सही टाइम पे एंट्री करनी भी जरूरी है। तो शेयर, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। प्रोमोटर्स की होल्डिंग देख लेते हैं। देखिए 2018 में 16% थी, ओके, इसमें सॉरी 60% थी, 60% थी, और अभी देखिए लगभग कितना है, 46.44। ये तो है, यहाँ पर प्लेजिंग कोई नहीं है। ये सबसे अच्छी बात है कि इसमें कंपनी वालों ने, जो शेयर होल्डर है, कोई प्लेजिंग नहीं कर रखी है। फॉरेन इन्वेस्टर देखिए, फॉरेन इन्वेस्टर अपनी हिस्सेदारी कम करते जा रहे हैं 1.04% की। DIS की बात की जाए तो देखिए वो भी कम करते जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक डेटा दिखाना चाहता हूँ आपको मैं, सॉरी, यहाँ पर देखिए कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग का नाम आपने सुना ही होगा, काफ़ी अच्छी ब्रोकिंग कंपनी है। तो उसकी भी थी देखिए, यहाँ पर 2 सितंबर 2019 में उसने, उसके भी यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न था, यहाँ पर 1.80% की हिस्सेदारी ले रखी थी, बट उस वो बेच के निकल गया, ठीक है, लॉस है, क्योंकि उसे पता है कि आगे चल के इस कंपनी का कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर भी देखिए, ये इस कंपनी, ये कॉम्बिटिक ग्लोबल कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, इस यहाँ पर इसने भी खरीदे थे। तो देखिए यहाँ पर 1.30% की हिस्सेदारी इसने खरीदी थी, बट जून में जैसे ही प्रॉफिट हुआ, जैसे ही थोड़ा वो प्रॉफिट हुआ, चुपचाप निकल गया वो। ओके, तो यही होता है कि हमें टाइम से निकलना भी ज़रूरी है और टाइम पे एंट्री करनी भी ज़रूरी है, और बेकार के शेयर में हमें नहीं पड़ना है। हमें ये जो ROCE 9% है, अच्छे अच्छे शेयर से जो आपको रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय CAGR 50% तक देंगे, 30% तक देंगे, और अच्छे अच्छे शेयर्स मार्केट में मौजूद है। तो ये बेकार के शेयर में मत पड़िए कि मल्टी बैगर शेयर बनेगा, 15 का शेयर 1500 पे हो जाएगा, ऐसा कुछ अभी नहीं होने वाला। अब अगर फ्यूचर में कोई अच्छा खासा होता है, तब आप थोड़ा 15 की जगह 50 पे ले लीजिएगा शेयर। ओके, क्या होगा, बस आपको थोड़ा बहुत ही रुपये का अंतर आएगा ना, आप जहाँ पर 10 शेयर खरीद रहे हैं वहाँ आप 5 खरीद पाएंगे, बस ये होगा, बाकी और कुछ नहीं होना। तो अच्छी शेयर, अच्छी कंपनीज में बने रहिए। यहाँ पर देखिए कितने, 75% ऑफ द मार्केट वैल्यू यहाँ पर खो दी थी, 2.8 बिलियन डॉलर यहाँ पर वाइप आउट हो गया था। तो यही ये है PC ज्वेलर्स की कंपनी का कारनामा, जो ये किसने किया है, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी, आई थिंक नाम है उसका। तो इन दोनों ने पैसे ऐसे लेके चुप्पा रफू चक्कर हो गए। तो इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप ये PC ज्वेलर्स कंपनी के चक्कर में मत पड़िए, चुपचाप निकल जाइए और दूसरी शेयर कंपनी में पैसे लगाइए, क्योंकि मार्केट में ये आपको एक सबक मिल जाएगा कि हाँ, अच्छी कंपनी में हमें रहना है। अच्छी कंपनी ही थी ये, बट इनके प्रमोटर्स अच्छे नहीं थे, तो प्रमोटर्स अच्छे नहीं थे, कंपनी का मैनेजमेंट ही अच्छा नहीं है, तो आप कहाँ से पैसे कमाएंगे। अच्छी अच्छी कंपनीज है, उस उधर लगाइए पैसे, जो लॉस हुआ है वो कवर अप भी हो जाएगा, और अपने प्रॉफिट शायद दूसरी कंपनीज में, और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करके रखिए, और एक ही जगह पर अपना पैसा मत रखिए। ओके, क्या वॉरेन बफेट साहब का है ना कि सारे एग एक ही बास्केट में मत रखिए, अलग अलग बास्केट में, ओके, अलग अलग अंडे रखिए। तो इसी तरीके से आप करेंगे तो उनसे सीखने को हमें मिलता है, और हमें डाइवर्सिफाई हम अपने पोर्टफोलियो को करेंगे, तो एक जगह लॉस है तो दूसरी जगह प्रॉफिट, एक तो मार्जिन ये इक्वल हो जाएगा, और फिर जो हमारे लॉस दे रहा है, जो बेकार कंपनी है, हम उससे निकल जाएंगे, और जो प्रॉफिट दे रहा है उसे रखेंगे, और लॉन्ग टर्म में हमारी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। 15 से 20 साल में करोड़पति बनना कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। तो यही मेरी वीडियो थी, यही आज का टॉपिक था। तो अपने एडवाइजर से, फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार कंफर्म खुद कर लीजिएगा। आप मुझसे ज़्यादा समझदार है तो आप समझ सकते हैं, मार्केट का ज्ञान भी आपको मुझसे ज़्यादा होगा, बट मेरे को जो लगा, जो मैंने देखा, उस हिसाब से मैं आपको यहाँ पर वीडियो पेश कर दिया है, नॉलेज पर्पज़ से वीडियो थी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, एज वेल एज हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ इस वीडियो को बांट दीजिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।